आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। पितरों को प्रसन्न करने की पूजा विधि, सामग्री, तैयारियां आदि जानिए विस्तार से। घर पर भी किया जा सकता है पितरों का तर्पण, जानिए इसकी विधि। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। पितर पक्ष आरंभ हो चुका है। सभी अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयासों में जुट चुके हैं। पितर कैसे प्रसन्न होकर धरती लोक से वापस जाएं, पितर कैसे नाखुश न हो पाएं, पितर कैसे आशीष प्रदान करें आदि सवालों के संबंध में अलग अलग विद्वान जानकारों का मत भिन्न हो सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए, इसके लिए पूजा विधि, पूजन सामग्री, तैयारियों आदि के संबंध में एवं घर पर तर्पण किस तरह किया जा सकता है। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या के बीच में 15 तिथियां होती है और जिनका स्वर्गवास पूर्णमासी को हुआ है तो पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या के बीच में 16 तिथियां होती है जिन्हें 16 श्राद्ध तिथियां प्रशस्त की गई है। इस बार पितृ पक्ष 18 सितंबर से आरंभ हुआ है और यह 2 अक्टूबर तक रहेगा। जानकार विद्वानों के मतानुसार जिन लोगों के घरों में किसी का निधन हुआ है और अगर वे लोग अपने पितर को गया धाम लेकर नहीं गए हैं, ऐसे पितर पितर पक्ष में अपने अपने घरों में याद करके आते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार आप अपने घर के सामने एक छोटा सा चबूतरा बना ले, उस चबूतरे को गाय के गोबर से लीप ले, वहां तिल, उड़द की दाल और चावल और पीला फूल चढ़ाकर उस पर पितरों को बैठाए और घर के जो सयाने अर्थात बड़े बुजुर्ग पुरुष है वो स्नान करके तिल से पितरों का तर्पण करें, जौ से ऋषियों का तर्पण करें और चावल से देवताओं का तर्पण करें, यानी 3-3 अंजुली कुल 9 अंजुली तर्पण प्रतिदिन करते रहें। विद्वानों के अनुसार जिस दिन जातक की जो तिथि पड़े उस तिथि को विशेष रूप से तर्पण करें, हवन करें और भोजन बनवा करके पूरा भोजन उस चबूतरा के पास निकाल करके जल घुमा दे और ब्राह्मण भोजन कराएं। अपने हिसाब से जो यथाशक्ति दान पुण्य हो सकता है वो करे तो पितरों को मिलता है, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों का इस तरह से तर्पण करने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो घर के सभी को आशीर्वाद देते हैं। जिन घरों में पितर आते हैं जिनका तर्पण नहीं होता है वहां पर अशुभ होता है, वो श्राप भी दे सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है, इसलिए ध्यान रखें कि पितरों का 16 दिन तक तर्पण जरूर करें। जिस तिथि को प्राणी का देहांत हुआ है उस तिथि को तर्पण करके विशेष रूप से उड़द की दाल का पकवान और चावल दाल पूरी सब्जी जो घर में बनाएं और इस सब का भोग लगाएं तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, उस घर को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से पितरों की पूजा होती है। आइए अब बताते हैं कि किस तरह किया जाए तर्पण। जानकार विद्वानों का कहना है कि तर्पण करने के लिए अगर नदी तालाब हो तो स्नान करना श्रेयस्कर होता है, नहीं हो तो किसी कुएं में स्नान कर ले, अगर कुआं भी नहीं है तो घर पर ही स्नान कर तर्पण करें। वैसे नदी तालाब के पास तर्पण करने से इसका फल 1000 गुना मिलता है। अगर नदी तालाब या कुआं नहीं है या आप नहीं जा सकते हैं तो घर में एक परात रखें, दक्षिण दिशा में फिर कर बैठ जाए और सामग्री तिल, जौ, चावल, सफेद फूल सामने रख ले और दक्षिण की ओर घूम करके तिल से 3 बार पितरों का तर्पण करें, फिर पूर्व की ओर घूम करके चावल से देवताओं का तर्पण करें, फिर उत्तर दिशा की ओर घूम करके जौ लेकर के ऋषियों का तर्पण करें, 3-3 अंजुली लेकर तर्पण करें। पितरों का जिनका नाम याद है उनका नाम लेकर उनके गोत्र का नाम और उस जातक का नाम लेकर के तर्पण करें, जिनका नाम नहीं मालूम है बस याद कर करके सबको याद करके तर्पण करें तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, घर में शुभ आशीर्वाद देते हैं। अब जानिए पितर पक्ष में किनके लिए भोजन निकालना जरूरी है। विद्वानों के अनुसार पितर पक्ष में 5 ग्रास निकाले जाते हैं। पहला ग्रास ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है, दूसरा गाय को भोजन देना पड़ता है, तीसरा ग्रास श्वान अर्थात कुत्ता को देना पड़ता है,
चौथा कौवा को देना पड़ता है। पांचवा जीव जंतु के लिए सड़क के किनारे रख करके जल घुमा करके प्रणाम करें तो उससे भी पितर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। पांच ग्रास निकालने के लिए नियम है कि पूजन करने के बाद जब भोजन बन जाता है तो पहले गाय के लिए निकालें, फिर ब्राह्मण को खिलाओ, फिर कुत्ता के लिए, कौवा के लिए, जीव जंतु के लिए निकाल दें। कुछ जगह एक साथ ही गाय के साथ ही सबके लिए भोजन निकाल दिया जाता है। वैसे सनातन धर्म में पितर पक्ष का हमेशा से ही खास महत्व रहा है। कहा जाता है कि इस दौरान पितरों की शांति के लिए किए गए उपाय बेहद लाभकारी साबित होते हैं। इसलिए हर कोई पितर पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करता है, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। कहा जाता है कि जिस किसी पर उसके पूर्वजों की शुभ दृष्टि रहती है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। अब जानिए पितर पक्ष श्राद्ध की पूजा विधि के बारे में। श्राद्ध सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:30 बजे की अवधि के बीच में करना सबसे शुभ माना जाता है। श्राद्ध करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटनों को जमीन पर टिका कर बैठ जाएं। फिर एक तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध और थोड़ा गंगा जल डालें। इसके बाद साफ जल को अपने दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से छुआते हुए उसी तांबे के बर्तन में गिराएं। ऐसा 11 बार करें। इस प्रक्रिया को तर्पण कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर जरूर चढ़ाएं। पितरों के लिए भोजन तैयार करें। ध्यान रहे इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प ले और फिर एक या तीन ब्राह्मणों को सच्चे मन से भोजन कराएं। श्राद्ध के भोजन का सेवन करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को घर पर बुलाएं। सबसे पहले ब्राह्मण के पैर धोएं। इसके बाद ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। ध्यान रखें कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन जरूर निकालें। भोजन कराने के बाद भूमि, वस्त्र, अनाज, तिल, स्वर्ण, घी, गुड़, चांदी या फिर नमक का दान जरूर करें। आप चाहे को इनमें से किन्हीं दो या तीन चीजों का दान भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध पूजा में हमेशा सफेद फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जानिए पितर तर्पण विधि के संबंध में। तर्पण करने के लिए एक परात ले लें, उसमें शुद्ध जल डालें। इसके बाद थोड़े काले तिल और दूध भी इसमें डाल दें। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और परात अपने सामने रख ले और एक अन्य खाली पात्र भी अपने पास में रखें। इसके बाद अपने दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली में दूर्वा यानी कुश लेकर अंजलि बना लें। इसका मतलब है कि दोनों हाथों को मिलाकर उसमें जल भर लें। फिर अंजलि में भरा हुआ जल जो खाली पात्र है उसमें डाल लें। कम से कम 3 बार अंजलि से तर्पण करें। पितर पक्ष श्राद्ध मंत्रों के बारे में भी जान लीजिए। पितर पक्ष श्राद्ध मंत्रों का जाप करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। ये मंत्र है, ओम पितर देवताय नमः। ओम पितर गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदया। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम पितर गणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यः पितरभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। पितर पक्ष श्राद्ध सामग्री के बारे में जानिए। पितर पक्ष श्राद्ध के दौरान जिन सामग्री की आवश्यकता होती है वे सिंदूर, कपूर, जनेऊ, हल्दी, रक्षा सूत्र, काला तिल, घी, शहद, रोली, सुपारी, जौ, गुड़, दिया, अगरबत्ती, तुलसी और पान के पत्ते, सफेद फूल, उड़द दाल, मूंग और ईख, कुशा, दही, गंगाजल, केला, धुरवा, गाय का कच्चा दूध आदि चीजें हैं। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय लाभ
सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।